सो हेलो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। अब देखो भैया, यहाँ पे कुछ बंदे पूछ रहे हैं कि भाई ये रैंक रुकना कब तक बंद होगा। मतलब ये भागता चला जा रहा है, भागता चला जा रहा है, ये रुकेगा भी कि नहीं। और हाँ, सीजन का जो एंड का कॉन्कर पॉइंट है कितने तक जाएगा, तो ये सब डाउट्स मैं क्लियर करूंगा, ठीक है अभी। और इस वाले गेम प्ले में मैं पूरा लास्ट के सर्कल का मैं कैसे खेलता हूँ पूरा अनकट दिखाया हूँ, तो उसको आप देखो, खुद ही समझ जाओगे कि भाई लास्ट के सर्कल में मैं किल्स कैसे निकालता हूँ, स्टिंग डे का यूज कैसे करता हूँ और हाई प्लस कैसे लेता हूँ। तो वीडियो पूरा देखो, आप खुद ही समझ जाओगे, ठीक है, फुल अनकट है। इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज़ भाई। लोग आप लोग कभी कभी लाइक नहीं करते यार, गलत हो जाता है। अब देखो यहाँ पे, जब आप अभी जो कॉन्कर पॉइंट है ना, एस मास्टर से थोड़ा सा आगे, मतलब 4800, 4900 या 1500 ऐसा कुछ होने पाएगा ना, तो भाई जो रैंक है वो बढ़ना बहुत कम हो जाएगा। जब डोमिनेटर एक बार जब कॉन्कर पॉइंट हो जाएगा, तो डेली का मुश्किल से 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, और लास्ट के चलते चलते भाई यहाँ पे डेली के 10 से 15 पॉइंट भागते हैं, बस हो गया। तब आपको कॉन्कर करना काफ़ी ईजी रहेगा, तो भाई उस हिसाब से आप लोग छोड़ो मत, ठीक है। ये स्टार्टिंग में भाई बहुत सारे बंदे पुश करते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि भाई मोस्ट ऑफ द बंदे जो है हार मान लेते हैं, ठीक है, गिव अप कर देते हैं, और प्लस भी बहुत कम मिलता है। तो जिसके हिसाब से भाई डेली के पॉइंट ज्यादा भागते नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं, एक वीक का वेट करो, ठीक है, उसके बाद ये पॉइंट भागना थोड़ा सा कम हो जाएगा। भागता रहेगा ये, तो लास्ट तक भागता ही रहेगा, ठीक है, ये भागना तो रुकेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो जिसके बाद आपको कॉन्कर करने में काफी ज्यादा ईजी होगा, अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो। बाकी भाई गिव अप करने पे किसका कॉन्कर होगा, किसी का नहीं होगा, ठीक है। जब आप गिव अप ही कर दोगे तो भाई ऐसे अपने से तो कॉन्कर हो नहीं जाएगा कि चलो छप गया कॉन्कर, खेलना पड़ेगा है ना उसके लिए। और सीजन का एंड का कॉन्कर पॉइंट मुझे लग रहा है इस बार 5600 होगा, मतलब भाई डोमिनेटर के बाद आपको 400 और प्लस करना पड़ेगा, और 5700 भी हो सकता है, क्योंकि भाई इस बार ना ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है कि लास्ट टाइम के मुकाबले जो हैकर्स हैं और सर्वर फिज हैकर्स हैं बहुत ही कम आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही कम। क्योंकि भाई लास्ट टाइम और लास्ट टाइम का लास्ट टाइम भाई इतने ज़्यादा हैकर आ रहे थे ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो थोड़ा सा खैर मनाओ, शुक्रिया अदा करो कि भाई कम आ रहे हैं, ठीक है, बट इसको भी आप लोग बोलोगे कि बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। चलो सामने यहाँ पे एक बंदा था, मैं सोचा चल के नेट कर दिया जाए, बंदा इजीली फट जाएगा, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा एक्सपोज होकर नेट करने जाता हूँ, जिसके बाद बंदे को पता चल जाता है, देख लो। और भाई यार बच गया, अकाउंट नेट करने का यहाँ पे सोचता हूँ, लेकिन मैं सोचा भाई बंदा भी यहाँ पे नेट कर रहा होगा, इसलिए पीछे जा जाता हूँ। बाकी सर्कल देखे लो कितना छोटा हो चुका है, अभी भी यहाँ पे 17 बंदे। अरे भाई यार, 1 HP बचा होगा वो बंदा कसम से। अब देखो मारते ही ना तुरंत टूट जाया करो, ठीक है, नहीं तो अगर आपके पास बग्गी वगैरह है तो घुमाते रहा करो, तो भाई थर्ड पार्टी तुरंत होती है। बस ऐसे ही ऐसे ही, ठीक है, बट यहाँ पे ये साला बग्गी वाला अपना किल चोरी कर लेता है। चलो बग्गी वाला भी चला गया यहाँ पे, उसका भी काम तमाम हो गया। ऊपर ऊपर ऊपर। अब ये भाई यहाँ पे भाई अपने काम बनाने चले आते हैं, मतलब भाई की थोड़ा सा सिस्टम हो जाता है कि क्या बोलूं। देखो जो सीन होगा अभी, साइड प्लीज साइड। कितनी भाई कितने नीचे एनिमी आ गया।
आ जा, चलो चले। ये रहा एक और। और ऐसे फ्री के किल मिले तो भाई उसको छोड़ने का नहीं है ना। अब देख लो अपने को भाई गन रिलोड करना होता है, इसलिए थोड़ा सा कोने में आता है ताकि भाई कोई बंदा यहाँ पे स्प्रे करके मार ना पाए। यो ब्रो व्हाट्स अप, हाँ जिंदा है, मार लेंगे उसमें क्या है, मेरे पास तो ट्राइडेंट है, ट्राइडेंट से उड़ाऊंगा साले को, ज्यादा फ्यूल भी। रुको देखो भैया, ये भैया यहाँ पे चुल मचाया है ना, रुको इनकी हालत क्या करेंगे वो देखना थी। और भ्रातासी हेलो, ऐसे नहीं करने का यार, ये गलत बात है, अगर आप मारोगे तो हम छोड़ तो थोड़ी देंगे फिर। अरे भाई यार ये पैराशूट का मैं क्या बोलूं, चलो हमारा टॉप 10 वगैरह इजीली हो गया। और भाई अपने अच्छे खासे 6 किल नहीं 7 किल भी हो गए थे। अब देखो यहीं पे भाई थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अपना जो है स्टिंग ने पीछे छूट गया। ब्रो मैं हूँ ठीक है मारो, मैं यही। अब पीछे एक बंदा तो आ जाता है, लेकिन ये शेक वाला बंदा मैं हूँ। हाँ। और भाई ये बच के निकल ही जाता है। अंदर मत आना, अरे तो देख के आना, निकल के कहीं जाता भी नहीं, ये सोच रहा था बस अपने ही कब्र बनाया जाए इधर पे बगल में। ब्रो ट्राइडेंट लेके जाऊं, अपने पास नेट भी नहीं था। लेकिन सामने वाले बंदे के पास नेट जरूर था, ठीक है, बट उसका फायदा मेरे को कैसे होगा वे देखो। ऐसे ठीक है, यहाँ पे हमारे हो गए 8 किल। अब यहाँ पे भाई जोन भी आ गया और मैं चला गया भाई स्टिंग दे उठाने, यही मेरे से गलती हो जाती है। और भाई स्टिंग दे में फ्यूल ही नहीं है थोड़ा भी, और इसमें भी नहीं है यार, क्या बोलूं। और इसी में मैं यहाँ पे फंस के ख़त्म ही हो जाता हूँ, नहीं तो भाई यहाँ पे चिकन मेरा हो जाता। और लास्ट में क्या सीन हुआ इन लोग के साथ वो भी देख लो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।